दो प्लान बना ले, तू कह रहा बुलेट लेना, बट बुलेट तेरे को अच्छा लग रहा है। ओह नाइस। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश मीनी। आई होप कि सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो आज एक मेरा फ्रेंड आया बड़ी दूर से, मेरे से मिलने, उसके घर पे कुछ फंक्शन है तो इनविटेशन देने के लिए आया है। आज यहीं हमारे साथ ही रुका हुआ है। हेलो एवरीवन। तो ये काफ़ी देर से पीछे पड़ा है कि राइड पे जाना है, तो चलते हैं सीधा राइड पे। सो आज है हमारे पास KTM RC 200 और बुलेट क्लासिक 350। अभी तक बाहर नहीं आए लोग, कब से बोला हुआ इनको। चलो भैया जल्दी करो, चलो जल्दी करो, कितना टाइम लगना है, बैठो। क्या बोल रहा, हार रेटी भी है कुछ रिश्ते ना बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं, और कुछ रिश्ते जब छूटने होते हैं तो छोड़ो जाते हैं, उन वो हमारे हाथ में लेखा जोखा नहीं होता उनका। स्पीड की रिश्ता 18 भी बताता हूँ। इस रोड पे कभी भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती, फ्री रोड है एकदम, तभी लोग ज़्यादा बाइकर्स वगैरह यहाँ आना पसंद करते हैं। थोड़ा ओपन एरिया आ गया ना, वो तो ठंड ठंड जैसी लग रही है अभी से, है ना, थोड़ा ओपन एरिया आ गया, थोड़ा ठंड ठंड लग रहा है। लीन चेक करो। ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं ऊपर, कितनी ऊपर बैठा है। क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या ही व्यू आ रहा है। कुछ फोटो शूट हो जाती है यहाँ पे यार, रील बनाते हैं ना। कर रहा है रेसिंग व्यूसिंग करने नहीं आया भाई, वो लड़का बेचारा इतनी दूर से आया, कुछ हो जाएगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे, इसके मम्मी पापा ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भेजा होगा। हाँ नहीं, ड्राइव रेसिंग करने की जरूरत नहीं है हमें, हम वो छपरी राइडर्स नहीं है कि ड्राइव रेसिंग करनी है, ये करना वो करना, हम बस राइड को एंजॉय करेंगे जितना हो सके। क्या बोलते हो भैया, ठीक बोल रहा हूँ। ये पहुंच के सिद्रा के मेन हाईवे शुरू होने वाला है। क्या ही व्यू आ रहा है भाई, काफी सालों के बाद चक्कर लगाया यहाँ पे। ये हमारे सिद्रा का हाईवे देख ले, यहाँ से बस शुरू हो गया, कम से कम 1.5 किलोमीटर का है ये हाईवे। ऐसा ही हो गया फोटोशूट, अब चलते हैं। ये देखो कैसे ही भैया तगड़ा स्टंट मार रहे हैं यार, भैया को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा।
बड़े सालों के बाद इस रास्ते आया हूँ यार, पता फोटो तो अच्छी आई है ना, तगड़ी फोटो आई है, अच्छा फोटो शूट हो गया। मेरा बुलेट चलाने का मन कर रहा है यार, बुलेट चलाने का मन कर रहा है रोक। चलो जिसको बैठना वहां पे, वहां पे बैठे तो जाओ वहां पे। काफी देर के बाद बुलेट, पता नहीं मेरे को सूट करता कि नहीं करता, बुलेट राइड हो गई आज। ये आ गया हमारे सितरा का पुल, जहाँ पे बाइकर्स वगैरह फोटोज वगैरह शूट करते हैं, जैसे कि ये देखो कैसे चला रहा है। बस यहाँ से यू टर्न लेके वापस घर के लिए निकलते हैं। कैसा लगा सितरा का पुल? हाँ ये है सितरा में देखने के लिए, बस यही है। मैं पता नहीं कितने सालों के बाद आया हूँ यहाँ पे। जब मैंने अपनी पहली बाइक ली थी ना, तब आया था एक बार एक दोस्त के साथ यहाँ पे, उसके बाद आज आया हूँ ऐसे बाइक पे, नहीं तो ऐसे कोई काम शाम हो तभी निकलता हूँ गाड़ी लेके यहाँ से, एक आधी बार बस। हाँ मन था तो तेरी खुशी के लिए तो आया यहाँ पे मैं। तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। ये देखो छपरी राइडर्स क्या बोलते हैं इनको, ये जो गया अभी छपरी बोलते हैं। और जो तू इतना तेज आया, तू डिब्बा और पीछे वाली डिब्बी, बुलेट बुलेट जस रही मेरे को। हाँ रो गया मैं साइड में, यहाँ पे आ। ये हेलमेट तू डाल अब, मैं मेरे को चलाते हुए देखना कि कैसा लग रहा है। भाई साहब सूट कर रही है बुलेट आपको, बहुत जबरदस्त मस्त मस्त, काफी अच्छी लग रही है ब्रो, काफी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बुलेट जिसका सूट नहीं कर रहा, बट मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा भाई। रेस लगाएगा रेस, अरे ब्रो रेस लगाएगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस ब्रो बुलेट का? अच्छा सूट कर रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। तो प्लान बना ले, तू कहता बुलेट लेना, बट बुलेट तेरे को अच्छा लग रहा है? नहीं यार, पर बुलेट तेरे को भाई गार्ड यार अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, काफी सूट कर रहा है। ये हमारे अभी भी अभी स्टॉपिंग मारेंगे। ओह नाइस, बड़े हो कर दिए स्टंट स्टंट। चलो शीशा कर देते हैं बंद, जून जुलाई में साला अर्निंग शुरू हो जाए ना, साला चलते हैं वेंचर लेयर में जाकर ट्रिप पे। चलेंगे चलेंगे, मैंने बोला तो है कि जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर, जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, वैसे ही एक ट्रिप प्लान करना है हमने, मैंने बोला था एक दिन। हां वो सही है, जैसे ही बाइक की डिलीवरी आज होने थी, कोई थोड़ा बैंक की इशू की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। हां नहीं तो आज हो जानी थी बाइक की डिलीवरी, अब कोई नहीं कल या फिर परसों तक हो ही जाएगी। अगला ट्रिप प्लान करेंगे, मैं सोच रहा था बसोली वाली साइड को कवर करते हैं पहले, है ना यार। मुमाया मंदिर भी जाना है यार, अगले संडे को प्लान करते हैं। पिछले साल सोचा था जाऊंगा, पर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वैसी बैठी नहीं, फिट नहीं बैठी, मतलब एक किस्म का बोलते बुलावा नहीं आया। बस अब मेरा मन कर रहा है जाने का, तो अगले संडे तक जाते हैं, प्लान करते हैं अगले संडे को, इसी टाइम चलेंगे इवनिंग में ही। हाँ। इवनिंग में चलेंगे कुछ ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे के करीब करीब, है ना। ले रही है सारा सामान, चलो
बस पहुंचने वाले हैं घर। यहाँ से लेंगे टर्न घर के लिए। ठीक है ब्रो, ओके टेक केयर, टेक केयर बड़ी, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं, ओके चलते हैं घर, करते हैं आज के व्लॉग को एडिट, डालते हैं जल्दी। और बताइएगा प्लीज़ कि किस तरह का लगा आज का व्लॉग। जैसे जैसे टाइम स्पेंड करूँगा इस फील्ड में, वैसे वैसे ही चीज़ें इंक्रीज होती जाएंगी। पहुँच गए घर पे, अंदर जाके करते हैं बात, मम्मा खड़े। सो फाइनली वी आर एट होम। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मज़ेदार कंटेंट्स को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग पुराने हैं प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, और जो लोग नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, मैंने बताया जैसे कि आपको जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स होते हैं वैसे ही एक ट्रिप प्लान करेंगे और ट्रिप पे जाएंगे। सो वन थिंग कि हमने ये डिसाइड किया कि अपने चैनल का नाम आकाश मीनिया फिटनेस से आकाश फिट मोटो व्लॉग्स करके रखेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।